हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जिपमर पीजी 2021 के बारे में। जी हाँ गाइस, जिपमर पीजी 2021 का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो चुका है। सेकेंड सीट अलॉटमेंट के लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है जिपमर पीजी INICET का, वो स्टार्ट हो चुका है। सो गाइस, किस तरह से अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है, किस तरह से डॉक्यूमेंट वेरीफाइड करा सकते हैं आप, हर एक चीज डिटेल में डिस्कस करेंगे आज हम इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ जो बेल आइकन बटन है उसे दबाना ना भूलें, ताकि अगर इनकेस कोई भी नया अपडेट या कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज होता है तो गाइस हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर पाएंगे, आप लोगों को नोटिफाई कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं जिपमर पीजी INICET डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को। तो सबसे पहले आपको मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपको जो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिखाई देगी, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है तो गाइस आपके सामने इस तरह का नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा, आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन में गाइस आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग सारे जो है डिटेल्स दे दी गई है। आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला गाइस वो ऑफलाइन मोड में होने वाला है। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफलाइन मोड में जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको ऑफलाइन मोड में जो है डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना होगा, पूरी डिटेल्स उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे मिल गए, आप जो इसे आसानी से चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस, आई होप कि अभी आपको डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इनकेस भी कोई प्रॉब्लम फेस होती है और कोई डिटेल अगर जाननी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड करा दी गई है, वहाँ पे आपको जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इशू आप हमें बता सकते हैं, हम जरूर आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। उसी के साथ गाइस, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो नॉलेजेबल रहा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।